टिश्यूज़ वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। टिश्यूज़ वाले चैप्टर में जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं उस डिस्कशन को, क्योंकि जितनी बार रिपीट करोगे धीरे 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 ये चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में तुम्हें याद हो जाएंगी। ठीक है, टिश्यूज़ की अगर बात करें तो हम लोगों को दो टाइप के टिश्यूज़ हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। एक पढ़ना है प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज़ और दूसरा पढ़ना है आपको एनिमल के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज़। खैर, अभी राइट नाउ हमारी जो क्लास आज से स्टार्ट होगी वो कम्प्लीटली प्लांट टिश्यूज़ पे फोकस करेगी। ठीक है, कि किस कौन से होते हैं प्लांट टिश्यूज़, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें उस तरीके से क्यों क्लासीफाई किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एनिमल टिश्यू पे फिलहाल अभी हमारा फोकस नहीं है। प्लांट टिश्यू ख़त्म होने के बाद हम लोग किस में मूव करेंगे, एनिमल टिश्यू में। डन, तो अभी मैं जो क्लासिफिकेशन ड्रॉ कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू का ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो जैसा कि हमारी पिछली क्लास में भी बात हुई कि प्लांट टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप इसके दो तरीक़ों से आप इसको क्लासीफाई करते हो। पहला क्लासिफिकेशन जो आपका होता है दैट इज़ नोन एज आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान रखना, कई लोगों की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, ये होते हैं ब्रॉडली प्लांट टिश्यू के दो क्लासिफिकेशन। ठीक है, खैर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को आज हम लोग फर्दर तीन कैटेगरीज में और क्लासिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का से पढ़ लिया, मीनिंग समझ लिया, बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको उसको क्या करना है और फर्दर टोटल कितनी सब कैटेगरीज में डिवाइड करना है, आपको उसको डिवाइड करना है टोटल तीन सब कैटेगरीज में। कौन कौन सी होती हैं वो तीन सब कैटेगरीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? एक सब कैटेगरी को कहा जाता है एपिकल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एमटी लिख रही हूँ। एक को कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अदर जो तीसरी है इसको हम लोग कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टोटल तीन प्रकार की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं। ठीक है, चलो एक बार परमानेंट टिश्यू का भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ताकि धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में फिट होना शुरू हो जाए। परमानेंट टिश्यूज़ को अगर क्लासिफाई करोगे तो भैया ये बोलते हैं कि देखो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट्स में होता है। तुम हो गए खुश कि अरे वाह, सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितना अच्छा है। अच्छा, तुम बड़े खुश। एक ने कहा कि पहले पार्ट को आप कहिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को आप कहिएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और तुम्हें लगा कि अरे वाह बस ख़त्म प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। बट तुम्हें क्या पता था कि ये जो सिंपल वाला है ना, जो कहने को अपने आप को बोल रहा है कि मैं सिंपल हूँ, ये सिंपल वाले को हम लोग फर्दर अगेन कितने पार्ट्स में करते हैं? अगेन यहाँ पर इसको टोटल चार पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये सिंपल है इसको टोटल कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं? चार। पहले का नाम है पैरेन्काइमा, ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद दूसरे का नाम है कॉलनकाइमा, ये आ गया कॉलनकाइमा। उसके बाद जो तीसरा है उसका नाम क्या है? इसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, इसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। अरे क्या हो गया बेटा। और उसके बाद एक चौथा है, इसका नाम होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। और जो कॉम्प्लेक्स था वो भी कोई आसान नहीं है। कॉम्प्लेक्स वाला कहता है कि लो भाई लो, मेरे और फर्दर कितने डिविजन्स होंगे? दो। एक को मैं कहूँगा जाइलम और एक को मैं कहूँगा फ्लोयम। और जब मैं तुम्हें जाइलम और फ्लोयम पढ़ाऊँगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार जाइलम के और भी सब पार्ट्स होते हैं और फ्लोयम की भी और सब पार्ट्स होते हैं। जब मैं तुम्हें प्रोटेक्टिव पढ़ाऊँगी तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रोटेक्टिव के भी सब पार्ट्स होते हैं। तो ये कहानी थी किसकी? आपके प्लांट टिश्यू की। पहली बात तो चैप्टर में दो टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं, एक पढ़ना है प्लांट टिश्यू, एक पढ़ना है एनिमल टिश्यू।
पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? प्लांट टिश्यूज से। प्लांट टिश्यूज को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहा जाता है परमानेंट टिश्यू और एक को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अच्छा, अभी आज की हमारी जो पूरी की पूरी क्लास है वो किस वाले टिश्यू पे फोकस्ड है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि मैडम आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू ये दो क्लासिफिकेशन आखिर किए क्यों गए, है ना? मतलब कितना अच्छा होता या तो प्लांट के अंदर सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते, राइट? अच्छा, या फिर कितना अच्छा होता, राइट, कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट टिश्यूज होते। कहाँ पे कुछ टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक हैं, कुछ टिश्यूज परमानेंट हैं, तो ऐसा क्यों है? तो देखो, चाहे एक एनिमल की बॉडी हो या चाहे एक प्लांट की बॉडी हो या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, ठीक है, कोई भी पृथ्वी पर अगर आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उस पृथ्वी पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे छोटे से छोटा जानवर क्यों ना हो, कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, कि बड़े से बड़ा डायनासोर क्यों ना हो, या प्लांट्स हो, हर्ब्स हो, श्रब्स हो, क्लाइंबर हो, क्रीपर हो, फ्लावर हो, बर्ड हो, रूट हो, कुछ भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे अर्थ में, उसको देखो, उसकी बॉडी को चाहिए होती है ग्रोथ। जैसे कि अभी तुम हो छोटे, नाइन्थ क्लास में, क्या कर रहे हो बोलो? पढ़ाई कर रहे हो। धीरे धीरे और बड़े होगे, टेंथ में जाओगे, इलेवेंथ में जाओगे, ट्वेल्थ में जाओगे, जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हारी बोलो क्या होगी? हाइट बड़ी होगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे तुम्हारी क्या होती जाएगी? हाइट बड़ी होती जाएगी। सही कह रहे हैं? हाँ मैडम, जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी हाइट बड़ी होती जाएगी। लेकिन अब जैसे मुझको देखो, मेरी तो इलेवेंथ भी हो गया, ट्वेल्थ भी हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, और उसके बाद की भी काफ़ी साल हो गए, उतने भी नहीं हुए, उतनी बुढ़ी भी नहीं हूँ मैं, खैर। तो ऐसे केस में मेरी हाइट क्या अब फर्दर ग्रो हो रही है क्या? नहीं, अब नहीं हो रही। लेकिन हाँ मैडम, प्लांट्स की हाइट तो हमेशा ग्रो होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो खैर, हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स की हाइट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो लाइफ टाइम बड़ा होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। उसकी हाइट बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। यानी कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, अगर मैं हाइट की बात करूँ, वो भी स्पेशली एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चलो हम लोग आज की क्लास प्लांट के इर्द गिर्द घुमा लेते हैं, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होते हैं तो सेल के डिवीजन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जब एक बच्चा छोटा रहता है, जस्ट मम्मी के पेट से निकल कर आया है, ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ है, एक बार उसको देखो और एक बार खुद को देखो। उसकी उंगलियाँ कितनी छोटी छोटी सी, उसके पंजे, मतलब पंजे इन द सेंस उसके जो हाथ है वो कितने छोटे छोटे से, वो खुद कितना छोटा छोटा सा, और एक बार खुद की शक्ल देख लो, तुम कितने बड़े बड़े से, तुम्हारे हाथ कितने बड़े बड़े से, इतने बड़े हाथ कैसे हो गए? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सेल्स थे उन सेल का क्या हुआ? डिवीजन हुआ। तो बेसिकली ग्रोथ के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वो चीज़ क्या होती है? सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लांट के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट प्लांट, तो प्लांट की हाइट एक ऐसा पार्ट है जो जिंदगी भर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर प्रॉपर खाना पानी, सूरज की रोशनी मिलेगी, स्पेस मिलेगा, तो हाइट उसकी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, है ना? प्लांट की स्टेम्स होती हैं, जानते होगे तुम सभी लोग, है ना, ब्रांचेज होती हैं, स्टेम्स बोलूँ या ब्रांचेज बोलूँ, है ना, वो भी देखो बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, पेड़ घना हो जाता है समय के साथ साथ। इसके अलावा प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो भी बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। प्लांट जितना पुराना होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो उतनी ही मोटी हो जाती हैं, राइट? अच्छा, तो प्लांट्स की रूट्स की भी क्या होती है? ग्रोथ होती है ना?
लेकिन प्लांट्स के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को क्या नहीं दिखती, कोई ग्रोथ नहीं दिखती। प्लांट के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखती। मैडम कौन से हैं वो बॉडी के पार्ट्स, वो आप पढ़ोगे आगे, है ना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो मैडम हर जगह ग्रोथ होती है ना। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे आप खुद सोचो, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, राइट, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, प्लांट का जो फ्रूट होता है या प्लांट का जो फ्लावर होता है, क्या ऐसा कभी होता है क्या कि मैडम प्लांट की ना लीव आ गई है और अगर आप इस लीव को तोड़ोगे नहीं ना तो मैडम ये लीव बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, रॉकेट बन जाएगी एक दिन, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक सर्टेन लेंथ तक वो प्लांट की पत्ती, उसका फूल, उसका फल अपनी लेंथ इंक्रीज करता है और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर कोई फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होती और बाद में फिर वो मर जाता है या जो भी उसके साथ होता हो। तो प्लांट्स के ऐसे भी कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे ग्रोथ आकर एक स्टेज बाद रुक जाती है प्लांट की, ठीक है। ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ए बी सी होंगे ऐसे कुछ ऑर्गन्स, हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में आगे की क्लासेस में डिटेल में, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के कुछ सर्टेन पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है आपको डायरेक्टली विजिबल ना हो, प्लांट के अंदर हो। जैसे तुम्हारी बॉडी को अगर मैं सामने से देखूंगी तो मुझे तुम्हारे बॉडी के अंदर की किडनी नहीं दिखती, बट किडनी है ना, मुझे तुम्हारे बॉडी के अंदर हार्ट नहीं दिखता बट हार्ट है ना। तो वैसे ही प्लांट या कोई भी ट्री के अंदर का हमको विजिबल नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, बट इट डजेंट मीन्स ना कि उसके अंदर वो पार्ट नहीं होगा, उसके अंदर वो पार्ट होगा, आपको नहीं दिख रहा है वो बात अलग है, ठीक है। तो ऐसे केस में प्लांट के पास क्या होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे ग्रोथ या तो हो ही नहीं रही है बराबर, या फिर वहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि भैया यहाँ पर आकर ग्रोथ कैसी हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। जैसे मेरी हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब मेरी हाइट और नहीं बढ़ेगी, मेरे पाँव जितने लंबे होने थे उतने लंबे हो गए, अब और लंबे नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी ग्रोथ या मैं कहूँ जिनका डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है जब तक वो प्लांट जिंदा है, है ना, वो डेवलप होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उस पार्ट में जो सेल्स हैं, देखो ग्रोथ किसकी वजह से होती है, मैंने अभी बताया, ग्रोथ एक ही चीज़ की वजह से होती है, जब सेल डिवाइड होता है, जब सेल का डिवीजन होता है। तो प्लांट के पास जहाँ पर आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलती है, इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ पे सेल डिवीजन चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही रहेगा, ठीक है, जहाँ पे सेल डिवीजन चल रहा है और चलता ही रहेगा, ठीक है, और चलता ही रहेगा मतलब रुकेगा नहीं कभी, ठीक है, और रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं, बोलो क्या, इसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे बायोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि उन सेल्स का एक ग्रुप, ठीक है, उन सेल्स का एक ग्रुप जहाँ पे सेल डिवीजन, ठीक है, चल ही रही है और चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी, उसे कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्लांट के ऐसे भी कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे अभी कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, ठीक है, जहाँ पे अभी या तो मैं कहूँ कि ग्रोथ रुक चुकी है, तब आप मुझे क्या कहोगे कि मैडम यहाँ पे ये वो जगहें हैं जहाँ पे सेल डिवीजन हमेशा के लिए, ठीक है, परमानेंटली क्या हो चुका है, बोलो, बंद हो चुका है, बराबर, परमानेंटली क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, बराबर, क्या हो गया है, परमानेंटली बंद हो चुका है। ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं,
क्योंकि इनका सेल डिवीजन परमानेंटली बंद हो चुका है, इट मींस दैट ये फर्दर और डिवाइड नहीं होंगी, फर्दर चलते ही चलते 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 ग्रोथ इनकी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये एक स्टेज के बाद जाके क्या हो जाएगा? रुक गए इनकी डिवीजन, एक स्टेज के बाद जाके क्या हो गई? आपकी रुक गई। तो ऐसी जगहें जहाँ पर एक स्टेज के बाद जाने के बाद आपके सेल फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी खो देते हैं कि नहीं यार हम और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उन सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर उसके टिश्यूज को ब्रॉडली दो पार्ट्स में आप क्लासिफाई करते हो। एक पार्ट को आप क्या कहते हो? एक पार्ट को आप कहते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ पे आपको उम्मीद है कि हाँ करके ठीक है बताओ ये डिवाइड होगा, ठीक है अच्छा ठीक है ये और डिवाइड होगा बराबर, ये ग्रोथ होगी, यहाँ होगी वहाँ होगी, ये वगैरह वगैरह वगैरह। बट ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए क्या हो चुका है, आपका सेल डिवीजन रुक चुका है। तो उन जगहों को हम क्या कहते हैं? उन सेल्स को, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को ठीक है हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का परमानेंट, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेसिकली वो सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, होता है और होता ही रहेगा। ठीक है, मतलब अब पता नहीं मैडम कब तक, लेकिन होता है और होता ही रहेगा। अभी फिलहाल जिनमें अभी भी एबिलिटी है, जो अभी डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जैसे कि हमारी बातचीत हुई, हमारी बातचीत क्या हुई कि मैडम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, बराबर, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, चल रही है, आप उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहिए। सही कह रहे हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होंगे जहाँ ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स में होती है? अभी अभी मैंने बताया, आपके प्लांट की हाइट बढ़ती है, बराबर, आपका जो प्लांट है, प्लांट की नई नई स्टेम्स आती हैं, है ना, प्लांट की ब्रांचेस आती हैं, प्लांट की रूट्स डेवलप होती हैं, मोटी हो जाती हैं समय के साथ साथ रूट्स। और साथ ही साथ में अगर आपने एक छोटा पौधा लगाया है, तो देखना आपका जो छोटा पौधा होता है वो एकदम पतलू सा होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ पौधा मोटा हो जाता है, फिर और समय के साथ साथ पौधा और मोटा हो जाता है। यानी कि प्लांट की क्या इंक्रीज होती है? प्लांट की विड्थ भी इंक्रीज होती है। सिर्फ रूट इंक्रीज होती है, सिर्फ हाइट इंक्रीज होती है, या फिर सिर्फ उसके स्टेम और ब्रांचेस लेंथ वाइज बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाइट, विड्थ और लेंथ सब उसकी क्या होने लगती है? बड़ी होने लगती है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट, उस प्लांट की जो रूट्स होती हैं और जो उसकी स्टेम होती हैं, देखो रूट्स कहाँ ग्रो होती हैं? नीचे की तरफ ज़मीन में, है ना, रूट्स भी क्या होती हैं? नीचे की तरफ ग्रो होने लगती हैं ज़मीन में। जो प्लांट की हाइट होती है, बराबर, जो प्लांट की हाइट होती है, वो हाइट कहाँ होने लगती है बताओ? प्लांट की जो हाइट है वो कहाँ होती है? ऊपर हवा में, इन एयर। आपका जो प्लांट की रूट्स हैं वो कहाँ जाती हैं? इन द सॉइल। और जो प्लांट की हाइट है वो कहाँ जाती है? ऊपर 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 ऊपर, है ना, इन द एयर जाती रहती है वो। अच्छा, तो जैसे अभी मान लेते हैं मेरे पास प्लांट का एक इमेज है, इस प्लांट की इमेज में अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्चुअली में टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होती हैं? यहाँ पे रूट्स में मौजूद होती हैं। कौन सी वाली टिश्यूज मौजूद होती है मैडम इधर रूट्स में? ये वो वाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो रूट्स को नीचे 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 डेवलप करती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा
यहाँ पे भी देखो क्या होती है, यहाँ पे भी मैडम कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं जो प्लांट को ऊपर 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 इंक्रीज करती हैं। अच्छा अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लीफ है, इस लीफ, ये लीफ छोटी है, दिख रहा होगा, देखो ये वाली लीफ कितनी बड़ी है, देखो साइज़ में ये वाली लीफ कितनी बड़ी है, और देखो ये वाली लीफ साइज़ में कितनी छोटी है। तो इसका मतलब ये वाली लीफ अभी बड़ी होगी, अभी हुई नहीं है बट बड़ी होगी, है ना। अच्छा तो इसमें अभी ग्रोथ पेंडिंग है, इसकी ग्रोथ अभी भी क्या है, बाकी है। तो एक्चुअली प्लांट का कोई भी पार्ट जो लेंथ वाइज इंक्रीज होता है, लेंथ वाइज इंक्रीज जो होता है, चाहे उसकी रूट हो, चाहे उसकी स्टेम हो, चाहे उसकी लीव्स हो, तो ऐसी टिश्यूज़ को, ठीक है, ऐसी टिश्यूज़ को जो क्या करती हैं, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती हैं, है ना, लेंथ को इंक्रीज करती हैं, उन टिश्यूज़ को हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्या काम है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ये काम है, बताओ, कि वो लेंथ को इंक्रीज करें। किसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं मैडम, हो सकता है ये स्टेम्स मतलब प्लांट की हाइट बढ़ाए वगैरह वगैरह, हो सकता है ये उसकी क्या करें, ये उसकी रूट्स को इंक्रीज करे इन द सॉइल, हो सकता है उसकी जो लीव्स हैं उसकी लीव्स को छोटे से बड़ा करे, है ना, छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, फिर धीरे धीरे वही पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, उनको वो इंक्रीज करे। तो ऐसी टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, आप लोगों का क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आप स्टेम्स की बात कर रहे हो प्लांट के, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ मिलेगी, एकदम टॉप पे मिलेगी, तभी तो वो प्लांट को और ऊपर 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 इंक्रीज कर सकती है, है ना। तो यानी कि स्टेम्स में अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ढूंढने जा रहे हो, तो कहाँ ढूंढो उसको, एट द रेट टिप, एट द रेट टिप ऑफ द स्टेम का मतलब ये होता है किसी भी स्टेम में एकदम कॉर्नर पे, एकदम कोने पर आपको क्या मिलेगी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगी। या फिर लोग इसको टिप वर्ड ना यूज़ करते हुए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, एट शूट, ठीक है। बायोलॉजी में जो टिप होता है, जैसे पेन की एक टिप होती है ना जहाँ से आप लिखते हो, तो वैसे ही एट द रेट टिप ऑफ द स्टेम, ये वाला वर्ड वो लोग इस्तेमाल ना करते हुए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एट शूट एपेक्स, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एट शूट एपेक्स। तो पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेम्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहाँ पे देखने को मिलती है, मैं पिंक कलर से लिख रही हूँ। अगर स्टेम की बात कर रहे हो तो टिप ऑफ द स्टेम पे मिलती है, और अगर थोड़ा और अच्छे से बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करनी है तो शूट एपेक्स पे मिलती है। सिमिलरली अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि रूट्स में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलती है, तो तुम क्या जवाब दोगे कि मैडम रूट्स की जो टिप होती है, रूट्स के जो कोने होते हैं, ये जो कोने होते हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलती है, टिप ऑफ द रूट। और अगर तुम्हें ये जो टिप वाला वर्ड यूज़ नहीं करना है, तो बायोलॉजी में इसको बोला जाता है रूट का एपेक्स, इसे क्या कहा जाता है, रूट का एपेक्स, ठीक है। रूट के कहाँ मिलती है, एपेक्स मिलती है। कोई तुमसे ये पूछेगा कि पत्तियों में क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल वाली होती है, तो तुम बोलोगे हाँ होती है। कहाँ पर पाई जाती है, ये भी पत्तियों के एपेक्स में पाई जाती है, यानी कि एकदम कॉर्नर में, एकदम यहाँ कोने में, है ना, बीच में कहीं नहीं, एकदम कोने में जहाँ से ग्रोथ होनी है वहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे ग्रोथ होनी है वहाँ पे पाई जाती है। और इसे कहा जाता है एपाइसिस ऑफ द लीव्स, इसे क्या कहा जाता है, एपाइसिस ऑफ द लीव्स। तो पहला पॉइंट, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ मिलती है, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया बराबर। और दूसरा डिस्कशन हमने ये कर लिया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आखिर करती क्या है, मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंथ इंक्रीज करती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
इट इंक्रीजेस द लेंथ. कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी लेंथ इंक्रीज करती है, तो तुम बोलोगे अरे प्लांट की हाइट बढ़ाती है, रूट्स की लेंथ बढ़ाती है, लीव्स को लंबा करती है ना. इसे कहेंगे हम लोग कि ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है, फंक्शन है. ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है, फंक्शन है. और प्लांट की हाइट बढ़ रही है, प्लांट की रूट्स बड़ी हो रही हैं, प्लांट की लीव्स में लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, इसे प्लांट का कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, इसको प्लांट की क्या कही जाती है, प्राइमरी ग्रोथ. इसे प्लांट की क्या कहा जाता है, प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है. जैसे अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उस पैदा हुए बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसकी हाइट बढ़नी चाहिए, है ना, बराबर. उसकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है, उसके हैंड्स, लेग्स, ये सब की लेंथ बढ़नी चाहिए. तो ये उस बच्चे की प्राइमरी ग्रोथ है. अब बच्चा लेट से बड़ा हो गया, है ना, अब बच्चा लेट से मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, खेलता नहीं है, बस खाना खाते जा रहा है, फास्ट फूड, तो क्या हो जाएगा, मोटू मोटू सा हो जाएगा, तोंदू तोंदू सा हो जाएगा. बच्चे क्या इंसान भी हो जाते, तोंद निकल आती है उन लोगों की. तो देखो, हाइट बढ़ना, हेल्थ वगैरह इंक्रीज होना, ऑर्गन्स का डेवलप होना, ये प्राइमरी ग्रोथ है. तोंद निकलना, मोटा होना इज अ सेकेंडरी ग्रोथ. वो हो या ना हो उससे कोई उतना फर्क खैर पड़ता नहीं है, है ना, है ना. अगर बच्चे की मान लेते हैं हाइट ही नहीं बढ़ी, तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो छोटा रह गया. तो वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ प्राइमरी ग्रोथ. तो लेकिन अगर बच्चा मोटा नहीं हो रहा, अरे यार कभी किसी सुना है, अरे यार ये बच्चा मोटा ही नहीं हो रहा है, ये देखो ये लड़की मोटी नहीं हो रही है, ऐसा कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता. तो लेंथ का, ठीक है, चाहे वो स्टेम की हो, रूट्स की हो, लीव्स की हो, इनका इंक्रीज होना इज बेसिकली अ प्राइमरी ग्रोथ, बट उनका मोटा होना इज नॉट एट ऑल अ प्राइमरी ग्रोथ. तो ये काम होता है किसका, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. लेकिन अगर आपका प्लांट मोटा रहेगा एकदम, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार ये ट्री तो बड़ा ही मजबूत है, आप उसमें झूला डालोगे, झूला झूलोगे, है ना, राइट. आप उस पेड़ के ऊपर चढ़ोगे, बड़ी बड़ी आंधी तूफान आएगी, वो पेड़ आपका खड़ा रहेगा उन आंधी तूफानों में भी. लेकिन अगर आपका प्लांट कमज़ोर सा है, वो अभी हाइट तो उसकी हो गई है, लंबा 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 इन द एयर बढ़ तो गया है, बट वो मोटू सा नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ी सी आंधी तूफान चलेगी ना, प्लांट टूट के गिर जाएगा. तो प्लांट के लिए सिर्फ उसकी लेंथ का इंक्रीज होना ज़रूरी नहीं होता. लेंथ के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इंक्रीज होना, वो ये होता है प्लांट का मोटा होना. प्लांट की थिकनेस बढ़नी चाहिए. क्या होनी चाहिए, प्लांट की थिकनेस बढ़नी चाहिए. जो स्टेम्स बनी है, जो लंबी लंबी स्टेम्स हो गई हैं, वो लंबी लंबी स्टेम्स अभी क्या होनी चाहिए, मोटी भी होनी चाहिए. वो लंबी लंबी स्टेम्स अभी क्या होनी चाहिए, मोटी भी होनी चाहिए. तो ऐसी टिश्यूज जो प्लांट की थिकनेस क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, उनको मोटा कर देती हैं, बेसिकली उन्हें क्या कर देती हैं, मोटा कर देती हैं, उनकी थिकनेस को इंक्रीज कर देती हैं, है ना. प्लांट मोटा हो जाता है, इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि थिकनेस इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है. थिकनेस इंक्रीज करने का मतलब होता है कि प्लांट मोटा हो जाता है. प्लांट क्या हो जाता है, प्लांट मोटा हो जाता है. तो ऐसी टिश्यू को हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, इस पर्टिकुलर टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक. लेकिन मैडम कौन सी वाली मेरिस्टेमेटिक, वो तो हमको भी पता है कि मेरिस्टेमेटिक कहोगे, क्योंकि मोटा होना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ, है ना, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ. वो भी एक प्रकार का ग्रोथ ही है, बट कौन सी वाली आप इसे कहोगे, तो इसे हम लोग कहते हैं आप लोगों का लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इसकी वजह से प्लांट मोटा होता है. सिर्फ प्लांट की स्टेम्स मोटी होती हैं क्या, नहीं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स को भी ये मोटा करता है. ठीक है, रूट्स को भी ये मोटा करता है. प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनको भी ये क्या करता है, मोटा करता है. और बायोलॉजी की लैंग्वेज में
जब कोई प्लांट की रूट या उसके स्टेम्स जैसे ऑर्गन मोटे होने लगते हैं तो इन लोगों को कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो पेपर में आपको हो सकता है 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ किन किन टिश्यूज़ की वजह से होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ इज़ ड्यू टू एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज़ ड्यू टू आपका लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़। ठीक है, अब देखना कोई पुराने पेड़ अगर होते हैं, देखना बारिश के सीज़न में ज़मीन में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग के आ जाते हैं। अगर आप किसी भी एक पौधे को खींचोगे ज़मीन से निकालोगे तो आपको देखना उसकी रूट्स ऐसी देखने को मिलेंगी, एकदम पतली पतली ऐसी ऐसी रूट्स देखने को मिलेंगी। और जब वही प्लांट बहुत सालों का हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो उसकी रूट्स ऐसी ऐसी देखने को मिलती हैं, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ प्लांट मोटा नहीं होता, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो भी मोटी होती हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। आपको बुक्स वगैरह में मोटा हो जाएगा प्लांट ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल वर्ड्स मिलेंगे। तो प्लांट्स के मोटे होने को हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं, प्लांट्स के मोटे होने को बायोलॉजी में क्या कहते हैं, प्लांट्स के मोटे होने को बायोलॉजी में कहा जाता है ये कि इंक्रीज इन डायमीटर। ठीक है, इसे बायोलॉजी में कहा जाता है इंक्रीज इन डायमीटर, इसे कहा जाता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ, GIRTH ये होता है। ठीक है, इंक्रीज इन डायमीटर एंड इंक्रीज इन गर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि आपके लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू ने क्या किया, क्या किया उसने प्लांट की डायमीटर को, उसके गर्थ को उसने इंक्रीज कर दिया। दूसरा, वो किस प्रकार की ग्रोथ शो करता है। दूसरा, वो सेकेंडरी टाइप की ग्रोथ शो करता है। तीसरा, मैडम अगर आप ये कहते हो कि एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू टिप पे पाई जाती है शूट के या फिर लेट्स से रूट के, तो आप एक बात बताइए, लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाएगी, बताइए लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाती है। तो देखो, अगर मैं रूट्स की बात करूँ कि रूट्स में मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ है, है ना, रूट्स में मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ होती है, तो ध्यान रखना रूट्स में या फिर स्टेम्स में आपको मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलती है वैस्कुलर बंडल्स में। कहाँ पे मिलती है आपको, वैस्कुलर बंडल्स में। कहाँ पे मिलती है, वैस्कुलर बंडल्स में। ठीक है, अच्छा मैडम ये वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं बताइए, वैस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या है, तो आप सीखोगे आगे आने वाली क्लासेस में, सबर रखो। वैस्कुलर बंडल्स से मिलती है बिनिथ द बार्क। बिनिथ द बार्क का मतलब किसी भी पेड़ के को अगर आपने देखा है तो उसका जो ब्राउन ब्राउन वाला हिस्सा होता है, उस ब्राउन ब्राउन वाले हिस्से के पीछे की जो जगह होती है पेड़ के अंदर का पार्ट, दैट इज बेसिकली नोन एज बिनिथ द बार्क। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिनिथ द बार्क। तो आपकी जो लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, ये लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू आपको कैसे दिखने वाली है, ये कहाँ मिलने वाली है, बिनिथ द बार्क इन वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इन वैस्कुलर बंडल्स, क्या मेरी जो बातचीत है क्या ये क्लियर है। ठीक है, और ये जो जगह होती है, ठीक है, बिनिथ द बार इन वैस्कुलर बंडल, कई बार आपको किताबों में ये एक और नाम से देखने को मिलेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका नाम जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोन एज कैम्बियम। और इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम। ठीक है, तो कैम्बियम वो जगह होती है जिसकी वजह से, जहाँ पर क्योंकि लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाई जाती है, तो लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू के पाए जाने की वजह से आपका जो प्लांट होता है वो मोटू हो जाता है। तो कैम्बियम इज़ द रीजन। कैम्बियम कोई मतलब वो नहीं है, किसी ऑर्गन को मैं कैम्बियम नहीं कह रही हूँ। कैम्बियम इज़ बेसिकली अ स्पेस, इज़ अ प्लेस, ये एक प्लेस है, ये एक रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, मोटू होता है, जिसकी प्लांट क्या हो जाता है, मोटू हो जाता है।
प्लांट क्या होता है, मोटू होता है, ठीक है, बराबर ये वो जगह है, बराबर ये वो जगह है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, मोटू होता है. इज इट डन? तो हमने अभी तक टोटल दो टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ी, एक है एपिकल और एक है लैटरल. बट जब हमने आज की क्लास की स्टार्टिंग की थी तो मैंने बताया था कि टोटल तीन टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है, एक होती है एपिकल, एक होती है लैटरल और एक और होती है जिसका नाम है तीसरा इंटरकैलरी, ठीक है, एक और होती है जिसका नाम होता है, एक मिनट नाम यहाँ लिखते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब भैया ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये कहाँ किसको जाता है? तो देखो कई बार कैसा होता है, हम लोग प्लांट के पास जाते हैं, प्लांट का फूल तोड़ते हैं, है ना, प्लांट की पत्तियाँ तोड़ लेते हैं जैसे, या प्लांट की जो नरम नरम डालियाँ होती हैं हम वो तोड़ लेते हैं, राइट, ये सब हरकत करते हैं हम. तो प्लांट कैसा होता है, प्लांट और लीव्स आपस में चिपके हुए होते हैं. अब ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान वहाँ पे गोंद लगा के तो नहीं रखता है फेविक्विक कि मैडम यहाँ पे हमने फेविक्विक से हमारे प्लांट को ना जोड़ कर रखा है ना, ऐसा तो नहीं होता है. तो देखो कैसा होता है, बेसिकली ये लेट से प्लांट है, ये इस प्लांट की ब्रांचेज हैं और इन ब्रांचेज से लीव्स लटक रही हैं. तो ये लीव्स लेट से यहाँ लटक रही है, लेट से यहाँ पे लीव्स लटक रही हैं, लेट से यहाँ पे कोई फ्रूट लटक रहा है. तो लीव्स या फिर फ्रूट्स जहाँ से जॉइंड होते हैं, ठीक है, जहाँ से जॉइंड होते हैं, बराबर जहाँ से जॉइंड होते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह पे जो टिश्यूज पाई जाती हैं उस जॉइनिंग वाले पार्ट पर, उस जगह को हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये कौन है, ये कौन है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है. डायग्राम में देख लो एक बार फटाफट, डायग्राम में देखोगे तो समझ में आएगा. आइए आइए आइए, देखो ये देखो यहाँ से ये ज्वाइन हो रहा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा ज्वाइन हो रहा है. सो देयरफॉर दिस पार्ट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि ये ज्वाइनिंग पे मौजूद होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट एट ज्वाइनिंग. बट मैंने जैसा कि बताया कि बायोलॉजी में ज्वाइनिंग वर्ड बोलने में कितना अजीब लग रहा है ना, तो इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है इंटरनोड्स. इसे क्या कहा जाता है, इंटरनोड्स. यानी कि अगर कोई तुमसे लोकेशन पूछेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तब आप क्या जवाब दोगे, इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, ठीक है, बराबर. ये बहुत ही नाजुक से होते हैं, तभी जब हवा चलती है तो पत्तियां हिलने लगती हैं क्योंकि नाजुक हैं, एकदम आपके एकदम कड़क कठोर ये नहीं होते, ठीक है, ये ऐसे नहीं होते. इज इट क्लियर कि कौन सा वाला टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, है ना, ये पाए जाते हैं इंटरनोड्स पे. ये फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली चीज़ों को, ठीक है, ये लोग क्या करके रखते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं. या फिर कई जगह बुक्स में आपको ये भी दिखा वो मिलेगा लोकेशन के नाम पे, नियर द नोड्स, मतलब कई बुक्स में ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा होता है कि इंटरनोड्स से पाए जाते हैं, ठीक है, वो लोग ये लिख देते हैं नियर द नोड्स. तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू से किस तरीके से डिफरेंट है आपको ये पता होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे बातचीत कर ली है ना, कि वो सेल डिवीजन होता है, एक तरह सेल डिवीजन नहीं होता है. फिर हमने ये बात किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कितने क्लासिफिकेशन है, तीन है, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी. एपिकल किस किस में पाया जाता है, क्या करता है, लैटरल किस किस में पाया जाता है, वो क्या करता है, इंटरकैलरी किस किस में पाया जाता है, वो क्या करता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया, डन. अब ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछे कि ओवरऑल अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई एक बात तो बताओ, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में कुछ बातचीत याद रखनी पड़ती है क्या, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल. पहला तो आप ये याद रखो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टोटल तीन टाइप्स के होते हैं, उनके आप नाम याद रखिए, ठीक है, आप उनके लोकेशन याद रखिए, आप उनकी फंक्शन याद रखिए,
दूसरी चीज, आप एक और बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में याद रखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। प्लांट के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ प्राइमरी भी हो सकती है और ग्रोथ सेकेंडरी भी हो सकती है, डिपेंड कि किस टिश्यू की वजह से हो रही है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं, ग्रोथ करवाने वाली टिश्यूज होती हैं, ठीक है। इन क्या होती हैं, ग्रोथ करवाने वाली टिश्यूज होती हैं। अच्छा ठीक है, कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैडम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शेप क्या होता है, तो देखो टिश्यूज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, तो टिश्यूज का कोई शेप नहीं होता। टिश्यूज के अंदर जो उनके सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स का शेप होता है, ठीक है, उन सेल्स का शेप होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, देखो टिश्यूज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो सेल्स का क्या शेप है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से बनी हुई है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से कंपोज्ड है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताइए मैडम उसकी शेप क्या है, तो उनकी कोई ऐसी फिक्स शेप नहीं है कि अच्छा ये तो स्पेरिकली होंगे, है ना, इन ये तो ओवली होंगे, या तो ये पॉलीगॉन होंगे, या तो ये रेक्टेंगुलर होंगे। इसीलिए हम जवाब देंगे इनका, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी शेप की हो सकती है। बराबर, हमने इससे पहला वाला चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है सेल्स। सेल्स वाले चैप्टर में हमने अलग अलग प्रकार की बातचीत की है, राइट, क्या बातचीत की है कि सेल के अंदर ये होता है, सेल के अंदर वो होता है, हमने यही पढ़ा है ना, राइट, ओके। तो मान के चलिए ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मान के चलिए ये क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सब लोग जानते हैं सेल है तो सेल, मतलब प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लास्टिड्स होंगे, वैक्यूल्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक्सेट्रा 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 होंगे, है ना। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं इनके अंदर में कोई वैक्यूल नहीं होता। सोचो प्लांट, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है कि प्लांट्स के अंदर में वैक्यूल कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब 90% जगह तो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, बाकी बची कुछ ही जगह में अदर लोग रहते हैं। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, सोचो इसके पास वैक्यूल नहीं होता। अरे बाप रे, हाँ ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पेपर में पूछा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इनमें से कौन सा वाला सेल ऑर्गेनल पाया नहीं जाता है, ठीक है, इनमें पाया नहीं जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, क्लियर है ना, ओके। इसके अलावा एक और बातचीत, ये जैसे मान के चलते हैं एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मान के चलो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैंने क्या कहा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, तो आप कैसा भी उसको बना दीजिए, ठीक है। अच्छा, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगी, वैक्यूल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है, है ना, हर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अच्छा ठीक है, तो क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी न्यूक्लियस होता है क्या? बिल्कुल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस, ये इतना बड़ा होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस, इसको लिख देते हैं बड़ा सा न्यूक्लियस, कि अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करेंगे, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रखेंगे तो उसके सेल के अंदर, ठीक है, आपको ये बड़ा सा न्यूक्लियस कैन ईजिली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, बराबर। और आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है, अब एनसीईआरटी की किताब में इसी बड़े से न्यूक्लियस के लिए एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ किया गया है,
और इस बायोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है, मतलब नाम उन लोगों ने दिया है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि कोई नया प्रकार का न्यूक्लियस, ऐसा नहीं। न्यूक्लियस एक था, एक है और एक ही टाइप का रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैडम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब कोई नया प्रकार का न्यूक्लियस, ऐसा नहीं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बेसिकली उसे कहते हैं, एक ऐसे सेल के न्यूक्लियस को कहते हैं जिसके पास वैक्यूल नहीं होता और जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा सा होता है, ठीक है, बड़ा सा होता है और आप उसको इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब तुमको प्रीवियस चैप्टर पढ़ाए थे जहाँ पे अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स मैं तुमको पढ़ा रही थी, वहाँ पे मैंने तुम्हें वैक्यूल नामक एक सेल ऑर्गेनल पढ़ाया था। बल्कि प्लांट सेल में वैक्यूल अलग काम करता है, एनिमल सेल में अलग काम करता है, ये भी बताया था। ये भी बताया था कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसकी शेप, साइज, लोकेशन अलग होती है, एनिमल सेल के अंदर अलग होती है। बट क्योंकि अभी बातचीत प्लांट्स के बारे में चल रही है तो थोड़ा सा अपनी नोट्स कॉपी के पन्ने पलटो, ये देखो कि वैक्यूल्स का मैंने फंक्शन क्या लिखवाया था। तुम अगर पढ़ोगे तो मैंने वैक्यूल्स का फंक्शन प्लांट्स के अंदर में ये लिखवाया था कि वैक्यूल्स प्लांट के अंदर में वाटर स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है। तो अभी आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके पास तो वैक्यूल ही नहीं है, है ना। तो अगर इसके पास वैक्यूल नहीं है तो ये बेचारा ना तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर पाएगा, ठीक है, ना ही ये अपना फूड स्टोर कर पाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टोरेज का काम नहीं कर सकता, वो स्टोरेज परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्या नहीं कर सकता बेचारा, स्टोरेज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, आप लोगों का वैक्यूल नहीं है। तो कल को पेपर में MCQ आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ध्यान रखना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या नहीं कर सकता, वेस्ट मटेरियल स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, बराबर। अच्छा तो इस वजह से बेचारे के पास ना तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ना ही उस बेचारे के पास क्या होगा, आप लोगों का फूड होगा, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। एक और चीज, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ऐसा न्यूक्लियस यानी कि एक ऐसा सेल का न्यूक्लियस जिसके पास वैक्यूल नहीं हो, सिर्फ न्यूक्लियस ही हो, मतलब न्यूक्लियस बड़ा सा हो, क्योंकि यूजुअली प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं बेचारे, वैक्यूल्स की वजह से छोटू से हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, मान के चलिए ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मान के चलिए इसके अंदर रहने वाले न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहा जाता है। अदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है अभी उनके बारे में बातचीत करके, है ना। अच्छा और उस सेल के आजू बाजू जो चीज होती है उसके आजू बाजू की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसके आजू बाजू की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसके आजू बाजू की चीज को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया है साइटोप्लाज्म का मतलब, आप लोगों को पढ़ाया है ना, हाँ। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म आपका कैसा होता है, डेंस होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म आपका कैसा होता है, डेंस होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की खास बात क्या है, खास बात क्या है कि इसका वैक्यूल नहीं है, ठीक है, इसके पास जो न्यूक्लियस है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। डेंस का मतलब जैसे कि आपने जेली वगैरह खाई होगी मार्केट में मिलती है वैसा, है ना, उसको कहेंगे डेंस। और जो फेस वॉश होता है जिससे आप अपना चेहरा धोते हो उसको डेंस नहीं कहेंगे, उसको लूज कहेंगे, है ना। डेंस मतलब टाइट, उतना भी टाइट नहीं बट हाँ लूज से ज़्यादा। फेस वॉश को आप लूज मानिए और जो जेलीज मार्केट में मिलती हैं आप उनको डेंस मानिए, ठीक है। तो क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल होते हैं उनके सेल के पास क्योंकि डेंस साइटोप्लाज्म होता है और वैक्यूल नहीं होता, इसीलिए
उन लोगों के जो न्यूक्लियस को प्रोमिनियंट न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन क्रिएट करके टीचर पूछ ले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का न्यूक्लियस प्रोमिनेंट टिश्यू प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहलाता है क्योंकि ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में ध्यान रखना क्यों वो आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहलाता है, वाई अगर किसी ने पूछ लिया क्यों, तो उसका रीजन देना। पहला, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई वैक्यूल ही नहीं है, और दूसरा उसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके लिए इन दोनों वजहों की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये हो गई छठवीं बात जो एक स्टूडेंट को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा मैडम और क्या बातचीत है, एक और बातचीत है, चलो उस पर आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। देखो, जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर सेल की बातचीत हो रही है तो सेल वॉल भी आएगी, सेल मेम्ब्रेन भी आएगी और अदर सेल ऑर्गेनल्स भी आएंगे। अब देखिए, प्लांट्स के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और प्लांट्स के पास सेल वॉल भी होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल एंड जनरली हम जितने भी आगे पढ़ेंगे ना प्लांट्स के टिश्यूज, हर जगह हम उनकी सेल वॉल के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं कि मुझको ब्राउन कलर से मैं प्लांट की सेल वॉल ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं प्लांट की सेल वॉल ड्रॉ कर रही हूँ, तो जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ था, प्लांट्स में बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक होते हैं, फिर परमानेंट का भी आगे जाके क्लासिफिकेशन होता है। वो जितने भी प्रकार के टिश्यूज एक प्लांट के अंदर पाए जाते होंगे, उन सारे टिश्यूज के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो इसकी जो वॉल होती है ना, सेल वॉल, ये बेचारी कैसी होती है, पतली सी होती है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, पतली सी होती है। तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में टोटल कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, आ जाओ जरा स्टार्टिंग से गिनती करें। पहला, तीन टाइप्स के होते हैं, उन तीनों टाइप की लोकेशन, उनके फंक्शन, वो सब आपको याद होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करवाते हैं, प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। प्राइमरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी किसे कहते हैं और किसकी वजह से होता है, ये आपको याद होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की शेप कौन सी होती है, एनी शेप, ये तीसरा पॉइंट याद होना चाहिए। चौथा पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई वैक्यूल नहीं होता। पांचवा पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। छठवा पॉइंट कि इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इसकी सेल वॉल कैसी होती है, आपकी थिन होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एकदम रटे हुए वर्ड टू वर्ड क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अब हमने इतनी बातचीत कर ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, एक छोटी सी बातचीत और कर लेते हैं कि मैडम आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है, आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो देखो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से मैं चीख चीख कर बोल रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो सेल्स फर्दर सेल डिवीजन कर सकते हैं, जो सेल्स फर्दर सेल डिवीजन कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, क्या चल रहा था हमारा, फंक्शंस, कि आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो मैं कैसे स्टार्टिंग से वही एक बातचीत बोले जा रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उन टिश्यूज़ को
को कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो सेल डिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो सेल डिवीजन का मतलब ही होता है कि एक से दो बनाना, दो से चार बनाना, चार से आठ बनाना। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, ये वो टिश्यूज हैं विच डेवलप अदर टिश्यूज, जो डेवलप करते हैं अदर टिश्यूज को फ्रॉम देमसेल्फ, ठीक है। अदर टिश्यूज को ये लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं फ्रॉम देमसेल्फ, मतलब खुद से, खुद के थ्रू ये नए नए अदर टिश्यूज, दूसरे नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हम लोग जो चीख चीख के बातचीत कर रहे हैं वो क्या, कि ये वो टिश्यूज है जिनकी वजह से ग्रोथ होती है ना। ये ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, चाहे रूट की हो या स्टेम की हो, उस ग्रोथ के लिए ये लोग बेसिकली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बताओ, ये वो लोग, अब नई पत्तियाँ, नए स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। कभी अगर आप क्या करते हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर आप पत्ती किसी प्लांट की तोड़ लेते हो तो कुछ दिनों बाद देखना उस नई जगह पे फिर से एक और न्यू लीव्स आ जाती हैं। अगर आप प्लांट की लेट से टहनी तोड़ लेते हो, यूजुअली गणपति में, दुर्गा पूजा में या किसी भी अदर फेस्टिवल में हम लोग आम की लकड़ियों को यूज़ करते हैं, जिसके लिए आम के पेड़ की हम टहनियाँ काटते हैं, तो क्या उस जगह से फिर नई ब्रांचेस नहीं उगती क्या, कुछ महीनों बाद फिर से न्यू ब्रांचेस आ जाती हैं। कई बार आंधी तूफान में ब्रांचेस टूट के गिर जाती हैं, फिर उस जगह से एक और न्यू ब्रांच आ जाती है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह अगर प्लांट को इंजरी हो जाती है, प्लांट के अंदर ब्लड थोड़ी ना है कि ब्लड ऐसा बहने लगेगा, क्या क्योर इंजरी इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर किसी भी प्रकार की इंजरी को ये लोग क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ठीक करती है। सो दीज वर सम ऑफ दी फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ख़त्म होता है। कल की क्लास में हम परमानेंट टिश्यूज पढ़ना शुरू करेंगे। परमानेंट टिश्यूज क्या होती हैं ये तुम्हें ऑलरेडी पता है ना, ठीक है। मैंने बताया ऐसी टिश्यूज जिनमें एक स्टेज के बाद जाके सेल डिवीजन रुक जाता है, वो फर्दर खुद को डिवाइड नहीं कर सकती, तो उनको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। यूजुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होती हैं जो बूढ़ी हो जाने के बाद परमानेंट टिश्यूज कहलाती हैं, ठीक है। देखो हर चीज़ की एक एज होती है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो डिवाइड करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि जो बूढ़ी हो चुकी, बूढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, उसी बूढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं और उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। बूढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या नहीं कर सकती, डिवीजन नहीं कर सकती, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, परमानेंट टिश्यू। बट इसका ये मतलब है क्या कि उस बूढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अब कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई काम की नहीं है? नहीं भैया, बहुत काम की है। बूढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कहने की बूढ़ी है, बट उसके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम है। उसी की वजह से पेड़ जिंदा है, उसी की वजह से तो हमें फल फूल फ्रूट्स मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बूढ़ी भी अगर हो गई ना, बहुत काम की होती है, सिर्फ नाम बदल जाता है और उसके नाम को हम लोग कहते हैं परमानेंट, बट होती बड़े काम की है। तो कल की क्लास में हम इन्हीं परमानेंट टिश्यूज को पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, क्या आखिर उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने पार्ट्स हैं वगैरह वगैरह। फिलहाल